वंदन अभिनंदन चिंटू चौकसिया जी। नमस्कार, हमारे साथ हैं क्षेत्र क्रमांक 2 के कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौकसिया जी। चिंटू जी, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। तो चिंटू जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए कि अगर क्षेत्र क्रमांक 2 की बात करें खासकर, तो गुंडागर्दी, नशाखोरी, चंदाखोरी, कब्जे, ये सारे यहाँ के विधानसभा के प्रमुख मुद्दे हैं जो यहाँ के जनजीवन को प्रभावित करते कहीं न कहीं। उसके साथ साथ पूरी विधानसभा में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उच्च स्तरीय सड़क, ड्रेनेज, पानी, लाइट, सफाई की बात करें तो 17 वार्डों में लगभग 8-10 वार्डों में हम मूलभूत समस्याओं से सफ़र कर रहे हैं। जो लोग विकास की बात करते हैं, छिंदवाड़ा मॉडल की बात करते हैं, उनको हम दिखाना चाहते हैं वार्ड क्रमांक 30, 31, 18, 19, ये वार्ड दिखाना चाहते हैं। 32, 34 वार्ड जाके देखो, बद से बदतर स्थिति है। इनके पार्षद लोग जा नहीं रहे हैं। आदरणीय रमेश जी कभी झांकने गए नहीं, 15 सालों में 5% जगह पहुँचे नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और ख़ासकर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है। ये वो सारे मुद्दे हैं जो एक प्रचंड रूप से बहुमत की ओर जा रहे हैं। यहाँ के जो विधायक रहे उनकी निष्क्रियता सबसे बड़ा मुद्दा है। पूरे क्षेत्र में ना कोई बड़ा स्कूल, ना कोई बड़ा अस्पताल, ना कोई बड़ा कॉलेज, ना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए कोई जगह, कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ है तो यहाँ के नेताओं ने जो गुंडे बदमाशों को संरक्षण दे रखा है, गुंडों बदमाशों को बोलबाला है। तो अभी कॉलेज की बात करें क्षेत्र में, तो कॉलेज भी बनाए हैं अभी। देखिए 15 साल हो गए, सुगनी देवी कॉलेज 3000 फीस में 3000 बच्चियां पढ़ती थी। आज इन्हीं लोगों की मेहरबानी से वो कॉलेज बंद, मनासन स्थिति में आ गया, 150 बच्चियां बची है। तो ये है यहाँ के नेताओं की सक्रियता, यह है यहाँ के नेताओं की सोच। उनने अपने खुद के इस कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए, कनकेश्वरी देवी जी का नाम करने के लिए, खुद का नाम करने के लिए, वो भी कब, 15-20 साल की सरकार में। अब चुनाव के एक महीने पहले स्थिति बनी कि कोई कॉलेज चालू हुआ, क्या होगा वो भी छोटे से कॉलेज में। अरे 20 साल से आपकी सरकार, एक बहुत बड़ा महाविद्यालय होना था सुगनी देवी कॉलेज में, इतनी संभावनाएं थी, सारा कुछ हो सकता, ना कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ है, ना कोई युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था है, ना कोई महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है। कुछ है तो गुंडागर्दी, नशाखोरी, कुछ है तो निष्क्रियता। एक चीज़ और बताएं कि चूँकि पिछले अगर दो चुनाव की बात करें तो हार जीत का अंतर जो है 70,000 और 90,000 करीबन रहा है, इसको कैसे पाटेंगे? देखिए ये परंपरागत कांग्रेसी सीट रही है। हमने गलतियां करी, जब जिसने तैयारी करी हमने उसको मौका नहीं दिया। अब चूंकि मैं लगभग पिछले 25 साल से इस क्षेत्र में राजनीति कर रहा हूँ, 2009 से मैं एज ए पार्षद काम कर रहा हूँ, 14 साल के लगभग मेरे को एज ए पार्षद का काम करते हो गए। हमने जनता के दिल में काम करके जगह बनाई, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से ऊपर उठकर। तो जिस तरीके से हमने जगह बनाई और 72,000 की लीड को नगर निगम के चुनाव में हम ले आए, 38,000 पे महापौर में और 31,000 पे ले आए पार्षद में, ये चीज़ साबित करती है, संकेत है कि जब चिंटू चौक से चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से क्षेत्र क्रमांक 2 की जनता उसको आशीर्वाद और प्रतिशत देगी। और जिस तरीके से हमने वार्ड को परिवार बनाया, मजबूत परिवार बनाया, ये स्थिति थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पास मेरे खिलाफ लड़ाने के लिए उम्मीदवार नहीं था। उसी तरह से जिस तरह से सबको पता है कि चिंटू चौक से एक पार्षद के रूप में अच्छा काम कर रहा है और हम इसको आगे मौका देंगे तो विधायक के रूप में भी अच्छा काम करेगा। चौकसिया जी, जैसे आप नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, अगर पूरे इंदौर की समस्याओं की बात करें तो किस तरह से देखते हैं? देखिए बद से बदतर स्थिति पूरे इंदौर में, गड्ढे भरने की स्थिति में नहीं नगर निगम। अभी मेरे वार्ड में डामर का काम चालू हुआ तो पूरी बीजेपी में हड़कंप मच गई। वर्क ऑर्डर वाला काम चुनाव आचार संहिता लगने से पहले हमने काम चालू कर दिया था। गड्ढे भरने की स्थिति में नहीं, तनख्वाह बांटने की स्थिति, तनख्वाह बांटने के लिए भी 90 करोड़ रुपये का लोन ले रखा है नगर निगम में। ये भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज सिंह जी की सरकार और नगर सरकार दोनों मिलकर जनता से लूट खसोट करने का काम कर रही है। काम के मामले में 0/0 सन्नाटा, पानी की स्थिति देख लो आप, बद से बदतर है। 60-70% जगह अच्छा पानी नहीं पहुंच रहा, गंदा पानी पहुंच रहा है। आज इंदौर शहर बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम पिछले साल दो साल की बात करें तो वर्तमान परिषद ने इस इंदौर शहर को पूरा बदहाल कर दिया। चौकसिया जी, आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है प्रदेश में? 7% मुझे लगता है कि 3/4 बहुमत के साथ 150+ करेंगे। जब हम 2 नंबर बहुत इजी गोइंग जीत रहे तो सोच लें मध्य प्रदेश में क्या स्थिति होगी। चलिए।